अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं फैसल मानी क्रिकेट शो। एशिया कप 2023 में पाकिस्तान में जो मैचेस होने थे वो कंप्लीट हो गए हैं। अब सारा टूर्नामेंट शिफ्ट हो रहा है कोलंबो श्रीलंका में, और श्रीलंका में आपको पता है कि वेदर बहुत खराब है, वहां पर मुसलसल बारिश हो रही है, मैचेस होना बहुत मुश्किल है। इंडिया वर्सेज पाकिस्तान का जो मैच है वो भी अब खतरे में पड़ चुका है सुपर फोर का। ये सारा का सारा जो फैसला और कसूर है वो है बीसीसीआई का, और इंडियन मीडिया और जो स्टार स्पोर्ट्स है वो भी अब इंडियन बोर्ड को ही तनकीद कर रहा है। तो इस हवाले से आज बात करेंगे कि क्या फ्यूचर है एशिया कप का, क्योंकि मौसम बहुत खराब है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। जी फ्रेंड्स, तो सबसे पहले आपको कोलंबो की सिचुएशन बताते हैं। कोलंबो में जो वेदर है वो इंतहाई खराब है, वहां पर मुसलसल 3 दिनों से बारिश हो रही है, और बारिश भी ऐसी कि वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। थोड़ा सा भी बारिश जो है वो रुकती नहीं है, और इससे अच्छा वेदर तो पाले किले में था, क्योंकि वहां पर हिली स्टेशन थे, वहां पर हिली एरिया से पहाड़ थे, तो वहां पर कुछ देर के लिए हमें गैप मिल जाता था जिसमें हमें कुछ ओवर देखने को मिलते थे या फिर कुछ मैचेस जो है वो मुकम्मल भी हुए हैं वहां पर। लेकिन कोलंबो में इस टाइम पर ये सिचुएशन है कि वहां पर मैचेस तो क्या, वहां पर टीम वो प्रैक्टिस भी नहीं कर सकती है, और एक बॉल भी आपको देखने को नहीं मिलेगी अगर यही सिचुएशन रही। क्योंकि बीसीसीआई के मुताबिक, पता नहीं वो कौन सा वेदर डार चेक कर रहे हैं, उनके मुताबिक 8 सितंबर के बाद जो है वहां पर वेदर क्लबों को क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर आप ओवरऑल वेदर डार्स या वेबसाइट्स देखें जो कि काफ़ी मशहूर वेबसाइट्स हैं और बड़ी एक्यूरेट वेदर प्रडिक्शन करती हैं, उनके मुताबिक तो ये जो वेदर है वो पूरे एशिया कप में ऐसे ही रहने वाला है कोलंबो में, जब तक फाइनल नहीं होता उसके बाद भी कुछ मौसम ऐसा ही है। मुसलसल वहाँ बारिश हो रही है, वहाँ पर एमरजेंसी सिचुएशन है, और ऐसी सिचुएशन में मैचेस दूर दूर तक होने का कोई इम्कान नहीं है। अब इसमें ये बात आपने याद रखनी है कि इस टूर्नामेंट का जो होस्ट है वो पाकिस्तान है, और पाकिस्तान और पहले ही ये चाहता था कि ये टूर्नामेंट दुबई में शिफ्ट हो। इस वजह से जो इंडियन बोर्ड था उनका इसरार था कि श्रीलंका में टूर्नामेंट हो चाहिए, और श्रीलंका में जब टूर्नामेंट हुआ है तो अब ये जितने भी मैचेस नहीं होंगे इसके गेट मनी नहीं आएगी, तो सारा नुकसान जो है वो होस्ट नेशन पाकिस्तान को होने वाला है। तो शायद ये बीसीसीआई की एक इरादे थे, या फिर उनको कह लें कि उनका पहले से इरादा था कि श्रीलंका में मौसम ख़राब होगा, वहाँ पर हम एशिया कप कराएंगे और पाकिस्तान को बेटर टूर्नामेंट होस्ट करने को नहीं मिलेगा। अभी आपने रिसेंटली देखेंगे पाकिस्तान में कितने ज़बरदस्त मैचेस हुए हैं, यहाँ पर वेदर का कोई इशू नहीं था। लास्ट जो सुपर फोर का मैच हुआ है यहाँ पर बांग्लादेश के खिलाफ, वहाँ पर हाउस फुल था। तो जितने भी आगे भी मैचेस होते हैं ज़बरदस्त होते हैं, लेकिन इंडिया की हर दमी थी। लेकिन अब इस पर स्टार स्पोर्ट्स जो इंडियन मीडिया है वो बहुत नाराज़ है, क्योंकि देखें स्टार स्पोर्ट्स के काफ़ी स्टेक्स लगे हुए थे यहाँ पर, वो ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर है एशिया कप का, और काफ़ी ज़्यादा अरबों की गेम है यहाँ पर, जहाँ पर उसको नुकसान हो रहा है। और सारा अब बीसीसीआई पे उन्होंने ये ब्लेम डाला है कि बीसीसीआई और इंडियन क्रिकेट टीम हम्बनटोटा में ये मैचेस या डेम्बूला में मैचेस नहीं करवाना चाहते थे, क्योंकि वहाँ पर प्लेयर्स को होटल के लिहाज से फैसिलिटी इतनी अच्छी नहीं मिल रही, लेकिन वहाँ पर क्रिकेट होने का बहुत ज़्यादा चांस था, और जब क्रिकेट होती तो स्टार स्पोर्ट्स का जो रेवेन्यू वो जनरेट होना था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब जब क्रिकेट नहीं होगी तो स्टार स्पोर्ट्स जो ब्रॉडकास्टर है उसको भी भारी नुकसान उठाना पड़ेगा, पीसीबी जो कि ऑफिशियल होस्ट है उनको भी नुकसान उठाना पड़ेगा, और जो इंडियन है उनको ये फ़ायदा होगा कि फेस सेविंग मिल जाएगी उनको, नसीम शाह, शाहीन अफरीदी और हारिस रोक को फेस नहीं करना पड़ेगा, हो सकता है उनकी वर्ल्ड कप से पहले इज्जत बच जाए। अब आगे थोड़ा चलते हैं कि इंडियन मीडिया तो इस टाइम में बहुत बातें कर रहे हैं कि इंडिया वर्सेज़ पाकिस्तान, और होना भी यही चाहिए था। 3 दिन रह गए इंडिया वर्सेज़ पाकिस्तान में, तो लोगों को यही टॉपिक करना चाहिए था कि इंडिया वर्सेज़ पाकिस्तान कौन जीतेगा कौन नहीं होगा। लेकिन ये जो बारिश है इसने सारा मज़ा ख़राब किया हुआ, क्योंकि यहाँ पर जो सिचुएशन है, अभी मैं कुछ जर्नलिस्ट के इंटरव्यू देख रहा था वहाँ पर, और वहाँ पर मौसम अच्छा खासा ख़राब है, मुसलसल वहाँ पर बारिशें हो रही हैं, और वहाँ पर आप छतरी के बगैर बाहर नहीं निकल सकते, आप प्रैक्टिस भी नहीं कर सकते, एक बॉल भी होने का इम्कान नहीं है। तो इसका मतलब है जो 10 तरीके लोग तैयारियां कर रहे हैं, एक बड़ा इवेंट आने वाला है इंडिया वर्सेज पाकिस्तान का, वो भी सब अटैच होगा, और वहां पर पाकिस्तान इंडिया के मैच जब नहीं होगा तो फैंस भी क्रिकेट के ख़राब हो जाएंगे, और एक जो मज़ा है वो ख़राब हो जाएगा टूर्नामेंट का। और इन दी एंड आपने जो उम्मीदें लगाई हुई थी कि 3 इंडिया वर्सेज पाकिस्तान के मैचेस होंगे, एक मैच हुआ वो भी आधा, और 2 मैच और मजीद, या तो सुपर फोर का मैच या फाइनल, वो भी अगर धुल गया तो ये बड़ी ही शर्मनाक बात है क्रिकेट के लिए। अब इंडियन मीडिया भी इस पर बड़ा नाराज है, और सब के सब जो तनकीद कर रहे हैं जय शाह और बीसीसीआई पे, लेकिन बीसीसीआई को इस बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, वो अपनी जिद में कायम है कि सारे मैचेस कोलंबो में ही होंगे। कोलंबो में आपको पता है कि वहाँ पर ये 5-स्टार होटल्स हैं, फैसिलिटीज़ हैं, वो यहाँ पर रहेंगे, इन्जॉय करेंगे, होटल्स में ही सारा दिन रहेंगे, और उसके बाद
ये टूर्नामेंट खत्म होगा और ये अपने अपने घरों को लौट जाएंगे। इन ये क्रिकेट को पिलाने नहीं चाहते हैं, ये क्रिकेट को सपोर्ट करना ही नहीं चाहते हैं। ये एशिया कप को इस बार क्योंकि पाकिस्तान होस्ट है ये इतना सीरियस इन्होंने लिया ही नहीं है। तो अब देखते हैं इनका फ्यूचर क्या है एशिया कप, होप्स हो जाए, कुछ दुआएं करें कि मौसम एकदम से तब्दील हो जाए जिसके चांसेस नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।